इस देश का विपक्ष सबसे खराब विपक्ष है। जो एक मिनट मेरी सुन लीजिए आप, जो ये कहता हो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कहता हो कि वहाँ पर क्या कहते हैं पेड़ गिरा के आए, मोदी जी के अंदर सबसे बड़ी दहशत आ गई है कि विपक्ष को उड़ा दो और चुनाव छीन लो। नहीं, एक बात है, आप जो बोल रहे हो जो, नहीं ठहरो ठहरो ठहरो, जितने भी आज तक पकड़े गए हैं लोग जेल में, लालू प्रसाद है, सारे कांग्रेस के राज में पकड़े गए, एक भी बीजेपी नहीं पकड़वाया अभी तक। जो है जिनको सजाएं हुई है उसी राज में हुई है। क्यों हुई है कि पत्रकारों ने जाके अदालत में कहा, पार्टी ने कहा कि अदालत में कहा, या अदालत ने सुओ मोटो अपने आप एक्शन लिया। विपक्ष कैसे कहता है मैं आपको बता रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कहा था भरी संसद में, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए कि दुर्गा का अवतार है, और आज का विपक्ष कहता है कि पेड़ गिरा के आए साहब, वो सिद्धू जी कहते हैं पेड़ गिरा के कौए मार के आए साले, डूब के मर जाओ। काय का विपक्ष है ये, मैं कह रहा हूँ इस देश में विपक्ष होना ही नहीं चाहिए। चाइना में कह रहे हैं मोदी हटाओ, अमरीका में जाके कहे मोदी हटाओ, ये कौन सा देश राजनीति है भाई? मणि भाई साहब सुनो, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में सबको सबने बैठ देखी होगी, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाके कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए मोदी को हटाने में, ये क्या देश विरोध नहीं है क्या? आप बताइए। मेरे हिसाब से तो अखिलेश भी है, अखिलेश भी है, आपका राजीव गांधी भी है, सारे बन जाए पीएम? नहीं सारे पीएम नहीं बनेंगे, सारे तो नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री बनने के लायक है? जनता से पूछते हैं क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक है? तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनने के लायक? अरे राहुल गांधी इलेक्शन तो लड़े, बाग क्यों रहे, इलेक्शन तो लड़े राहुल गांधी? नहीं है क्या? नहीं है, कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई अगर इधर कोई अगर अपना वोट अगर देता है किसी को तो वो बेकार जाता है, उसका बेकार जाएगा। कह रहे अखिलेश है, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, उद्धव ठाकरे है, आज तक इतना जो है परिवर्तन हुआ है, कभी परिवर्तन हुआ तो मैंने तो नहीं देखा था कभी, इन 10 सालों में, 10 सालों मैंने कभी नहीं देखा। मैं बनारस से रहने वाला हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, एक सेकंड कुछ अभी अभी आज तक तो मैंने ऐसा परिवर्तन तो नहीं देखा, और हर जगह छोटे छोटे एरिया में, हर एरिया में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो बदलाव की आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये जब तक दूसरा कोई नहीं आएगा वो इनके चिट्ठे कैसे खोलेगा? इनके चिट्ठे सारे बंद हैं। अरविंद केजरीवाल तो इनके चिट्ठे खोलने के लिए तो आए थे, फाइलें हाथ में लेके कह रहे थे कि ये सोनिया को डालो जेल में, ये राहुल को डालो जेल में, आज जाके गठबंधन कर रहे हैं, तो चिट्ठे खोलने वाले तो खुद भाई साहब जेल के अंदर बैठे हुए। हाँ तो जब बाहर जब आएंगे तभी तो बताएंगे कि इन्होंने क्या क्या करा। आए तो थे, कहाँ चले गए? आए तो थे, चार आदमी आए तो थे, बात पता लग जाएगा कि ये रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुकाए सवेरा, बस बदलाव होगा, बदलाव 100% होगा। मुझे एक नेता का नाम बताइए, मुझे आता है ग्रहण लगी जाती है, मुझे एक नेता का नाम बताइए जो प्रधानमंत्री बन सकता है। नेता है ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव है, और सबसे बड़ी औकात है उसकी जो है, कोई मतलब नहीं है, कुछ कोई 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 अगल बगल कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो इतने बड़े राजनीति के सब बन सकते। अरे कलेजा चाहिए 56 इंची का, 56 इंची का कलेजा चाहिए उसको। आप देखिए जो है क्या क्या हुआ, क्या क्या किया अगला। देखिए अंधभक्त जो है वो ऐसा ही कहेंगे, अंधभक्तों का ये है, अंधभक्त ही है हम, मैं अंधभक्त हूँ। राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने की ऐसी 5 क्वालिटियां बताइए, आपको लगता है कि ये ऐसी क्वालिटी है कि वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए? अरे मौका तो दीजिए, बता आदमी जब सीट पर आएगा तभी तो बताएगा मैं क्या हूँ, पहले से पहले कैसे ओपिनियन। अपनी सीट से हारने के बाद में जनता थोड़ा कह रही है कि भाई अच्छी क्वालिटी, अपनी सीट में दोबारा वो आए भी नहीं वापस। राहुल गांधी में सबसे अच्छी क्वालिटी, राहुल गांधी में सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि गैस पे वो कोयला रख के जलाता है, ये क्वालिटी उसके अंदर। और क्या क्वालिटी ये है कि वो आलू बोएंगे सोना निकलेगा। राहुल गांधी की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि उनको भाषण देना नहीं आता, वो आलू बोते हैं सोना निकलता है। अब की बार 400 के बाद मोदी सरकार ही आएगी। 400 कैसे? अरविंद केजरीवाल को जैसे सलाखों के पीछे डाला है चुनाव से ठीक पहले, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी है, इस प्रकार गलत काम करेंगे भाई तो जेल के पीछे जाएंगे। क्यों? इससे पहले कांग्रेस ने लालू यादव को जेल के अंदर नहीं किया था, तब भी तो सीएम थे ना, लालू यादव सीएम थे, वो भी गए थे जेल के अंदर। और केजरीवाल को तो इस्तीफा देना चाहिए, लालू यादव ने इस्तीफा देके जेल के अंदर गए थे, उनकी वाइफ वो सीएम बनी, इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा एक बड़ा सवाल ये भी कि राघव चड्ढा कहाँ है भाई? जब अपने सीएम इतने बड़े सबसे बड़े नेता आज मुसीबत में है तो ये राघव चड्ढा कहाँ घूम रहे, लंदन कहाँ घूम रहे? राघव चड्ढा भी फंसे हुए इसमें, इसीलिए वो विदेश चले गए अमेरिका। अमेरिका क्यों गए? वो फंसे हुए हैं, उनको पता है वो आएंगे वो भी जेल में जाएंगे, अब अतीसी भी जाएंगे, भरद्वाज भी जाएंगे। ये देश में बार बार ये भी कहा जाता है, राहुल गांधी खासतौर पर जब विदेश यात्रा करते हैं तब भी कहते हैं, आज भी कई रैली में कहते हैं कि देश में जो सरकार चल रही है मोदी और योगी की जोड़ी जो है ये भेदभाव कर रही है, सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है,
मुसलमान वर्ग के साथ में कहने की तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है, क्या आप सहमत हैं? देखिए जमीनी हकीकत तो कुछ और है, क्योंकि ये तो इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं वो सच लगने लगता है। लाभ ले रहे हैं सभी लोग ले रहे हैं, आप क्या चीज नहीं मिल रहा? आप कभी भी आप राशन का देख लीजिए, क्यों नहीं मिल रहा है लाभ? ये मकान बनवा के दिया जा रहा है उसमें क्यों नहीं है? उसमें हर जगह लाभ मिला जा रहा है, आप जाके देखिए हॉस्पिटल में या कहीं भी सब सुविधा सबको मिल रही है, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखे जा रहा। राशन का हिंदू मुस्लिम देख के थोड़ी मिल रहा है, राशन सबको मिला है, कॉलोनी सबको मिल रही, गैस सिलेंडर सबको मिला, जो सुविधा वो सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम देख के सुविधा नहीं दी जाती। ये सीपीआई का दुरुपयोग हो रहा है, आपको लग रहा है हो रहा है? नहीं हो रहा, इससे पहले कांग्रेस भी करती थी। वो जाएगा जेल, जो गलत काम करेगा वो जाएगा जेल। लेकिन कह रहे कि अगर भाजपा में शामिल हो गए तो गंगा स्नान हो गया भाई, पवित्र हो गए, और भाजपा में नहीं हो तो भाई साहब आप भ्रष्ट हो, आप जो है देश विरोधी राजनीति कर रहे हो, ये क्या बात होती है? 400 या तो जेल जाए या बीजेपी में जाए, या तो जेल जाए या बीजेपी में जाए। 400 तो आना है ना, कैसे होगा 400? 400 तो होना है ना। ये एक सबसे बड़ी दहशत है मोदी जी के अंदर, सबसे बड़ी दहशत आ गई है कि विपक्ष को उड़ा दो और चुनाव छीन लो। नहीं एक बात है, आप जो बोल रहे हो जो नहीं, ठहरो, जितने भी आज तक पकड़े गए हैं लोग जेल में, लालू प्रसाद है, लोगों ने सारे कांग्रेस के राज में पकड़े गए हैं, एक भी बीजेपी नहीं पकड़वाया अभी तक। जो है जिनको सजाएं हुई हैं उसी राज में हुई हैं। क्यों हुई है कि पत्रकारों ने जाके अदालत में कहा, पार्टी ने कहा कि अदालत में कहा, या अदालत ने सुओ मोटो अपने आप एक्शन लिया, तो अदालत ऊपर सबसे सुप्रीम है, उसके बिना कुछ नहीं चलता। अगर अगर ये वो हो डिक्टेटर, अगर मोदी जैसे बोलते हैं तो तुम या मैं या जो या तो कोई रह जाएगा, सब जेल में होंगे। अरे तानाशाही तो कई रोज तो गालियां निकालते हैं, रोज तो जो मतलब जो बदतर गालियां होती हैं मोदी को निकालते हैं, और फिर बाहर छैन छैन से खड़े रहते हैं। अगर डिक्टेटर हो तो बाहर तुम ऐसे खड़े रहोगे गाली देने के बाद? आना तो मोदी है, आना मोदी है भाई साहब। 450 हारते हैं, जब हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम खराब है, जब हारते हैं तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट खराब है। अरे अदालत संविधान के अदालत जो है सबसे बड़ी है, फिर उसके बिना कोई काम चलता क्या? लेकिन ये भी आरोप लग रहा है कि भाई साहब चुनाव से ठीक पहले ही कार्रवाई क्यों होती है, बार बार ऐसा क्यों? कोई हत्या हो तो पुलिस स्टेशन बंद कर दे या न्यायालय बंद कर दे, ये सारी कार्रवाई बंद कर दे, या संविधान हमला हो पाकिस्तान का, कोई चुनाव। मेरी बात सुनिए, जो नाचना जाने आंगन टेढ़ा वाली है, मैं बताऊंगा आपको मेरी बात, और कुछ नहीं है। मेरी एक बात सुनो, आज जो आदमी उन्होंने खुला ऑफर दिया कि जो बीजेपी पहले ईडी का नोटिस भेजा वो कह रही बीजेपी का ऑफर है, बीजेपी में जो चला गया ईडी हट गया। ये जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ये सब बग्गाबाजी है और कुछ नहीं है, लफाजी है, कुछ भी नहीं है। ये कहीं भी दिखा दें, कहीं भी दिखा दें, मेरे जैसे जो भी होंगे मैं उनका माफी मांगूंगा। अभी आतिशी है, आतिशी भी कह रही थी कि मुझे भाजपा से ऑफर आया है। मेरे को आज विपक्ष में कौन है? इंडिया गठबंधन है विपक्ष। मेरी बात सुनो, मेरी आप यार मेरी बात सुनो, हद कर दो, क्यों नहीं बोलने लायक? मैं कह रहा हूँ आप बोल रहे हो तो नहीं भाई साहब सुनिए, इस देश का विपक्ष सबसे खराब विपक्ष है। जो एक मिनट मेरी सुन लीजिए आप, जो ये कहता हो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए कहता हो कि वहाँ पर क्या कहते हैं पेड़ गिरा के आए, आप बात कर रहे हो कांग्रेस, बोलना नहीं आता उसे, वो सारा उसे वो लीडरों माटा दिखवाता है, वो देश चलाएगा वो राहुल आप आग बंद करके सोचिए। मैं कहता हूँ मेरे यहाँ मोदी जैसा बेटा हो, आप अगर एक भी कहते कि मेरे यहाँ पर राहुल जैसा बेटा हो तो कुत्ता खास में खिला देना मुझे। नहीं क्या कहते आप? मोदी जिसका उसकी फैमिली एक फ्लैट में रहती है, योगी की बहन, योगी का जीजा भाई साहब चाय बेच रहा है, आप क्या बात कर रहे हैं? ठीक है। जब कांग्रेस पार्टी रूलिंग में थी, अरे एक मिनट सुनो तो सही यार, आप कंटिन्यू बोलिए ना, क्या बात है? जोर से तो मैं ही बोल सकता हूँ। कांग्रेस पार्टी जब रूलिंग में थी तो सबसे बड़ा विपक्ष कौन था? जनसंघ, दैट इज द बीजेपी। यही बीजेपी बनी है ना, उस टाइम विपक्ष कौन था? बीजेपी, उस टाइम कांग्रेस पार्टी थी। आज विपक्ष में इनके पास कौन है? कोई भी नहीं है। कांग्रेस वैसे उड़ चुकी है, एक आदमी है केजरीवाल जो विपक्ष में खड़ा हुआ था। इन्होंने ईडी का नाम लेकर के इसको एन इलेक्शन के 2 महीने पहले ठाके अंदर कर दिया, और इसको नहीं कर दिया और जो बड़े बड़े से सबको कर दिया। तो अब ये है, ये पार्टी खत्म करने का एक षड्यंत्र है, ये एक विपक्ष। अरे सुन दो लो यार, अरे आज की डेट में इनका एक सांसद है,
और अभी तक अभी भी ये नए इलेक्शन में भी 2024 में आम आदमी पार्टी 22 या 23 सीटों पर लड़ेगी। अब 22 या 23 अरे 22 या 23 सीटों की क्या हैसियत है, 22 या 23 सीटों की क्या हैसियत है 543 में से, ये बताओ मेरे को, ये कौन सा बड़ा लीडर हो गया? राहुल गांधी से बड़ा लीडर हो गया क्या? फिर देश में चाहते हैं कि भाई एक ही पार्टी रहे। अभी भी तीन इलेक्शन हुए हैं राज्य उसके विधानसभाओं के, 224 सीटों पे लड़ा है, सब पे जमानत जब्त हुई है आम आदमी पार्टी की, सब पे। तो इसकी क्या ताकत है? ये तो वास्तव में CIA का आदमी है, अमेरिका का आदमी है। नहीं नहीं, वही अमेरिका CIA है बेटा, ये खालिस्तानी है, वही वही उसी का आदमी है। क्योंकि नहीं 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 फैक्ट है, आप अभी सुनो, फैक्ट है ये कि चिदंबरम पकड़ा गया, कोई नहीं बोला। पीछे अभी आपके छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर क्या नाम है उनका, चीफ हेमंत सोरेन पकड़ा गया, कुछ नहीं बोला अमेरिका या कनाडा। ये पकड़ा गया है तो अमेरिका कनाडा बोल रहा है, UN बोल रहा है, क्योंकि उनका आदमी है ये, समझ रहे हो आप? लेकिन ये कह रहे विपक्ष को खत्म करने की कोशिश हो रही है देश में। अरे विपक्ष अगर होता तो, अगर कोई भ्रष्टाचारी होता BJP में तो ये अदालतों में खड़े होते सबूत लेके। कांग्रेस के राज में विपक्ष की भूमिका BJP ने निभाई थी, अदालतों में खड़े हुए थे, ये सबूत है, अदालत ने कहा ठीक है इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और फिर दूसरी बात, अगर इन्होंने कोशिश भी की, नरेंद्र मोदी को 20 घंटे सिट ने इंटरोगेट किया सुप्रीम कोर्ट के अंडर, तो क्या हुआ? कोई प्रदर्शन हुआ? किसी ने शोर मचाया? किसी ने कुछ नहीं कहा फिर, और बिल्कुल क्लियर छूट गया। मेरी एक बात सुन लीजिए बस। तो फिर सच्चाई से आप आंखें मोड़ना चाहते हैं या देखना नहीं चाहते? प्रॉब्लम ये है और कुछ नहीं है। मेरी एक बात सुन लीजिए, विपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा नेता कोई नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष कैसे कहता है, मैं आपको बता रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था भरी संसद में, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, कि दुर्गा का अवतार है। और आज का विपक्ष कहता है कि पेड़ गिरा के आए, साहब वो सिद्धू जी कहते हैं पेड़ गिरा के कौए मार के आए, साले डूब के मर जाओ। काय का विपक्ष है ये? मैं कह रहा हूँ इस देश में विपक्ष होना ही नहीं चाहिए। ये भाई साहब विपक्ष अगर हो तो आप सरकार की आलोचना कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप मोदी विरोध में देश का विरोध कर रहे हो, ये बहुत बुरी बात है। विरोध भी देश विरोध कर रहे हो आप मोदी विरोध में, लेकिन ये अच्छा आपने जो ये बात कही ना, मोदी का विरोध करना देश का विरोध करना कैसे हो गया भाई साहब? राहुल गांधी भी यही कहते हैं कि मैं जब मोदी की आलोचना करता हूँ ये कहते हैं देखिए देश की आलोचना कर रहा है। अरे भाई देश अलग है, मोदी अलग है, अब ये मर्ज क्यों करते हैं? अब आपने कह लिया, अब मेरी सुनेंगे आप? मोदी विरोध में है, मोदी ने कही साहब मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, अब वो कह रहे हैं क्या कौआ गिरा के आए हैं? अभी क्या हुआ आप बताइए, कौआ गिरा के आए हैं? हमारी सेना इतनी गंदी है कि कौआ गिरा के आई है, क्या पेड़ गिरा के आई है? मोदी ने कुछ कहा? मोदी ने कहा कि हमारी सर्जिकल सेना ने करी है, और वो कहते हैं वो सारा सेना का विरोध कर रहे हैं। सेना का विरोध मतलब देश का विरोध, सेना का मतलब देश का विरोध होता है भाई साहब। मोदी के विरोध में सेना का विरोध, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। सेना ने विज्ञप्ति जारी की थी, सेना ने कहा था हम ये करके आए हैं, मोदी हटाओ, चाइना में कह रहे हैं मोदी हटाओ, अमेरिका में जाकर कहे मोदी हटाओ, ये कौन सा देश राजनीति है भाई? मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में सबको सबने बैठ देखी होगी, मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में जाके कहा था कि आप हमारा साथ दीजिए मोदी को हटाने में, ये क्या देश विरोध नहीं है क्या? आप बताइए, एक पाकिस्तान जो हमारे देश के एक फोन पे अभिनंदन वापिस आ गया था, क्या आप सोच सकते हैं? कैन यू इमेजिन? नहीं सोच सकते आप भाई साहब।